याद। देश में बढ़ती असहिष्णुता के आरोपों से पीएम मोदी का साफ इनकार। इकोनॉमिस्ट में लेख लिखकर कहा, भारत की सामाजिक बुनियाद बेहद मजबूत। और आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल संतोष का पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के सतारा में मासूम बेटे ने दी मुखाग्नि। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप, मैं सुजाता। और बड़ी खबर, पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया जगत की बड़ी हस्ती रहे पीटर मुखर्जी को शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है। पीटर मुखर्जी को आज मुंबई में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति शीना मर्डर केस में पीटर की गिरफ्तारी हुई है। पीटर मुखर्जी पर शीना की मौत से जुड़े सबूत मिटाने और जानकारी छिपाने का आरोप है। गिरफ्त में पीटर मुखर्जी, शीना बोरा केस में गिरफ्तारी, सीबीआई ने किया गिरफ्तार। पीटर पर सबूत मिटाने का आरोप, जानकारी छुपाने का भी है आरोप। शीना की मां इंद्राणी के तीसरे पति हैं पीटर। इंद्राणी मुखर्जी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को गुरुवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पीटर मुखर्जी को कानून को गुमराह करने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धारा 120 बी के तहत पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी की गई है। शंका तो बहुत सारी थी, किस तरह से शीना के लिए पीटर मुखर्जी ने टैक्सी बुक की थी, इंद्राणी के लिए ड्राइवर के स्टेटमेंट थे, और बाकी जो स्टेटमेंट थे उससे साफ लगता था कि पीटर मुखर्जी का भी इसमें पूरा रोल है। शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति है पीटर मुखर्जी। भारतीय टीवी जगत की बड़ी हस्तियों में शुमार किए जाते हैं। स्टार इंडिया के अपने कार्यभार के दौरान पीटर मुखर्जी, अमिताभ बच्चन का मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति और टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की जैसे सीरियल की शुरुआत की। 1997 से 2007 तक स्टार इंडिया के सीईओ रहे पीटर मुखर्जी, बाद में आईएनएक्स के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर बने। इंडिया टुडे ने पीटर मुखर्जी को 50 ताकतवर लोगों में शुमार किया था। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। और आपको बता दें कि इस मामले में मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठते रहे हैं। अब पीटर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। मुंबई पुलिस ने मदद करने की कोशिश की, और यही नहीं, खार पुलिस ने मिसिंग कंप्लेन नहीं लिखी, वर्ली पुलिस ने मिसिंग कंप्लेन नहीं लिखी शीना बोरा केस में, और रायगढ़ पुलिस जिसने एफआईआर ही नहीं लिखी एक जली हुई बॉडी मिलने के बावजूद। इससे साफ दिखता है कि मुंबई पुलिस अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, और जो एक फाइनेंशियल एंगल है उसमें भी जो है कितने पैसे का लेन देन हुआ, इसकी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत जरूरत है। सीबीआई को टाइम था उनके पास 90 दिन का चार्जशीट फाइल करने का। अगर वो 90 दिन के अंदर नहीं करते तो इंद्राणी और बाकी अकॉम्प्लिस को ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती, इसलिए सीबीआई के लिए जरूरी था कि आज वो चार्जशीट फाइल करे। और इस वक्त सही है क्योंकि कल जब कोर्ट में उनकी बेल की बात होगी तो कोर्ट के सामने सीबीआई रखेगी कि पीटर का कस्टोडियल इंटरोगेशन होना है, पीटर और इंद्राणी के जो स्टेटमेंट्स होंगे उनका क्रॉस करना होगा, तो इसलिए सीबीआई कल और भी इंद्राणी और बाकी दो ड्राइवर श्यामवर वर्मा राय खन्ना और पीटर मुखर्जी की फर्दर कस्टडी लेगी। तो वकील आभा सिंह शुरुआत से ही पीटर मुखर्जी की भूमिका पर सवाल उठा रही थी, और आज सीबीआई इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बताते हैं कौन है पीटर मुखर्जी। पीटर मुखर्जी मीडिया जगत का जाना पहचाना नाम है। 1997 से लेकर 2007 तक वो स्टार इंडिया के सीईओ रहे। इसके बाद 2007 में आईएनएक्स मीडिया के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर बने। भारतीय टीवी जगत के सफल अधिकारियों में नाम शुमार होता है पीटर मुखर्जी का। केबीसी और क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल की शुरुआत उन्होंने ही की।
इंडिया टुडे ने पीटर मुखर्जी को भारत के 50 ताकतवर लोगों में शुमार किया था। जानी मानी हस्ती, बड़ा नाम है पीटर मुखर्जी, लेकिन आज वो एक हत्या के मामले में एक षड्यंत्रकारी के रूप में गिरफ्तार हुए हैं। शीना बोरा की केस के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति हैं पीटर मुखर्जी। शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी पहले से ही इस मामले में आरोपी हैं, जेल में बंद हैं। अगस्त में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उस दौरान भी पीटर मुखर्जी से पूछताछ हुई थी। आपको बताते हैं किस तरह से पूरा खुलासा हुआ। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को शीना का मर्डर हुआ था। शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बेटी, शीना को 24 अप्रैल 2012 को मार दिया गया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया। 3 साल तक इस राज पर पर्दा पड़ा रहा। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, दिल्ली से अशोक राज और मुंबई से अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मुंबई की तरफ रुख करते हैं जहां से पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है। अंजनी, क्या खबर है, किस तरह से आज गिरफ्तारी हुई, क्या उससे पहले कोई पूछताछ भी हुई थी पीटर मुखर्जी से? देखिए, आज सुबह 10 बजे से ही पीटर मुखर्जी सीबीआई की कस्टडी में थे। सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी और करीब 8 बजे के आसपास सीबीआई ने ऑन पेपर उनको रिकॉर्ड दिखाया। 7:30 बजे खुद पीटर मुखर्जी ने अपने वकील राम जेठ मलानी से बात की। और दरअसल ये जो स्पेशल टास्क फोर्स का सीबीआई का ऑफिस है, यहीं पर अभी रखा गया है। और यहाँ पे कुछ समय पहले, यानी कि लगभग 5 मिनट पहले, जेजे अस्पताल की एक टीम आई थी जिन्होंने पीटर मुखर्जी का मेडिकल किया। मेडिकल रिपोर्ट उनका नॉर्मल आया है। चूंकि अदालत में पेश करने से पहले किसी भी आरोपी का मेडिकल करना जरूरी होता है, इसलिए उनका मेडिकल कर लिया गया है। अमूमन आरोपी को अस्पताल लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, मीडिया काफी चेस करती पीटर मुखर्जी को जब निकाला जाता, उससे बचने के लिए सीबीआई ने खुद यहां पे अस्पताल को एक एम्बुलेंस को बुलाया था। डॉक्टरों की टीम आई थी जिसने पीटर मुखर्जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा और रिपोर्ट दी। फिलहाल कल उनको करीब 11:30 बजे के आसपास जो सीबीआई की विशेष अदालत है वहां पे पेश किया जाएगा। और आज मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की और इस पूरे मामले का जो विटनेस है, आरोपी है श्याम राय, जो कि ड्राइवर रहा है पीटर मुखर्जी का, उसका कन्फेशन भी हुआ है 164 के तहत, यानी कि उसने जो इकबालिया बयान दिया है, अब वो आने वाले केसेस में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका। जी अंजनी, आपने श्याम राय की बात की है, उसने जो अपना बयान दर्ज कराया था, क्या ये माना जाए कि उसके बयान के आधार पर ही पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और पुलिस और सीबीआई दोनों ही उसका इस्तेमाल कर रही है? देखिए, श्याम राय पहले से ही जब उसको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस सोर्सों और सीबीआई के सोर्सों ने बताया था कि चूंकि वो इस मामले में आरोपी है, लेकिन जिस तरह से पूरे षड्यंत्र में वो शामिल भी रहा है, लेकिन इस सीना बोरा के मरने के बाद इसको कोई व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है और एक कमजोर कड़ी थी, इसलिए पुलिस और सीबीआई दोनों ने इसको अप्रूवल बनाने की कोशिश की, जो कि अप्रूवल बन भी गया। और दूसरी बात यह है कि जब सीना बोरा मामला मुंबई पुलिस के पास था, उस दौरान भी लगभग 48 घंटे लगातार 12-12 घंटे की शिफ्ट में मुंबई पुलिस कमिश्नर मारिया ने पीटर मुखर्जी से पूछताछ की थी। उस समय भी ये सवाल जरूर उठ रहे थे कि किसी के घर की बेटी 3 साल तक गायब होती है और कोई पूछता नहीं है कि आखिर वो कहां गई, किसी के कहने पे कोई कैसे यकीन कर सकता है कि उसकी बेटी 3 साल तक गायब है और किसी तरह की खोज भी नहीं होती है। साथ में ही जिस गाड़ी को हायर किया गया था सीना बोरा की बॉडी को डंप करने के लिए, वो गाड़ी खुद पीटर मुखर्जी ने, जो इंग्लैंड में थे उस दौरान, उन्होंने फोन करके अपने दोस्त को बोला, उसने गाड़ी हायर की। तीसरी सबसे बड़ा था कि आईएनएस मीडिया जो जिसको बेचा गया, उसके बाद करीब करोड़ों रुपए के शेयर के हेरफेर का भी मामला, जो कि आईटी ने भी दर्ज किया है और सीबीआई ने भी, पैसे का एंगल भी इस मामले से जुड़ा है। अंजनी, आपसे हम और चर्चा करेंगे इस पूरे मामले पर, कानून पहले जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील दिनेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया दिनेश जी हमसे बात करने के लिए। दिनेश तिवारी जी, जिस तरह से आज पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है 120B के तहत, जरा कानूनी रूप से हम इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे। अदालत में इस आरोप को साबित करना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? देखिए, उन पे जो चार्ज 120B का लगाया हुआ है, इसमें जो एविडेंस अगर पूरी तरह से दिखाया जाएगा तो पीटर मुखर्जी को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल सकती है। नाउ ये अभी डिपेंड करता है चार्जशीट में उन्होंने क्या मटेरियल लगाया हुआ है जिसके द्वारा ये दिखा सके कि इनकी इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की कॉन्स्पेरेसी थी। अगर केस पूरी तरह से प्रूव होता है तो इनको वही सजा मिलेगी जो इंद्राणी मुखर्जी को मिलेगी। जी दिनेश जी, एक बात यहाँ थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे आम लोगों के लिए, कि अगर षड्यंत्र के रूप में आपका नाम आता है, 120B की धाराएं क्या
जैसे हत्या से पहले या किसी घटना से पहले अगर आप षड्यंत्र में शामिल रहे उसमें भी लागू होता है, या अगर बाद में आपने सबूत छुपाने में मदद की, आप राजदार बने, क्या उस पर भी यही धारा लगती है? नहीं नहीं, 120 बी की जो धारा लगती है वो घटना के पहले या घटना होने के दरमियान आप सहभागी होते हैं तो लगती है, घटना होने के बाद अगर आप सहभागी होते हैं तो उसको पोस्ट इवेंट एक्सेसरीज कहते हैं, उसमें 120 बी नहीं लगेगी। 120 बी घटना के पहले की होगी, तो उन्होंने मतलब जिस टाइम घटना हो रही थी, पीटर मुखर्जी को शायद पूरी घटना का अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन अगर छोटा रोल भी प्ले किया है तो उनको 120 बी लग जाएगी और उनको उस सजा के भागीदार बनेंगे। जी, क्या दिनेश जी इस मामले में जो सभी लोग हैं, इंद्राणी मुखर्जी हैं, संजीव खन्ना है, ड्राइवर जो श्यामवर राय है और अब पीटर मुखर्जी है, क्या सभी एक ही तरह की सजा के पात्र बन सकते हैं? इस तरह से भी ये मामला जा सकता है आगे? बिल्कुल, 120 बी में जो सजा होती है सब आरोपियों पे एक ही सजा के उन लोग भागीदार बनते हैं, और अगर कल इनको 120 बी रीड विथ 302 में सजा होती है पीटर मुखर्जी को, तो अनडाउटेडली उनको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट कम से कम होगा, क्योंकि मर्डर के केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट से कम की सजा हो ही नहीं सकती है, तो उनको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है। जी दिनेश जी, इसके साथ ही पीटर मुखर्जी शुरू से ही उनके जो बयान थे उसमें बहुत सारे विरोधाभास थे, क्या इस तरह से भी कोई मामला उन पर बनता है कि उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने झूठा बयान दिया? नहीं, झूठा बयान नहीं, बिकॉज अभी उनको आरोपी ऑलरेडी बना दिया गया है, तो इनपे जो चार्ज लगे 120 बी का ही लगेगा, तो जस्ट बिकॉज झूठे बयान दिए थे, इनकंसिस्टेंट बयान दिए थे, उससे कोई नया चार्ज नहीं बनता है, बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी नाउ, तो उनपे वही सेम चार्ज लगे 120 बी का, दैट विल कवर एवरीथिंग। जी दिनेश जी, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे हम कुछ और कानूनी पहलू जानेंगे। इस वक्त दिल्ली रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अशोक राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, सीबीआई ने जाहिर तौर पर बड़ी गिरफ्तारी की है, सीबीआई के ने किस आधार पर यह गिरफ्तारी की और साथ ही जो धारा है वो किस तरह से लगाई गई है, क्या जानकारी मिल पाई है? सुजाता, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीबीआई के तरफ से किसी भी तरीके का आधिकारिक बयान इस मामले में नहीं आया है कि पीटर मुखर्जी को आखिरकार गिरफ्तार क्यों किया गया है, लेकिन जो सीबीआई में हमारे सोर्सेस हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले कई महीनों से शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी से सीबीआई की पूछताछ चल रही है, और पीटर मुखर्जी तब से लेकर अब तक यानी गिरफ्तारी से पहले तक किसी भी तरीके का कोई हेल्प मदद पूछताछ में नहीं कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनको आखिरकार गिरफ्तार करना पड़ा, और 24 घंटे के अंदर एक कानूनी प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में पेश करना है, और मजिस्ट्रेट के सामने सीबीआई यही बोलने वाली है या फिर बोलेगी कि ये पूछताछ में या फिर इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं, तो हमारे को पूछताछ के लिए कस्टडी चाहिए, और मजिस्ट्रेट से गुहार भी लगाई जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी मिले, और कस्टडी मिलने के बाद ही सीबीआई पूछताछ करेगी और यह साबित करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार पीटर मुखर्जी का क्या रोल रहा है शीना बोरा मर्डर केस में, क्योंकि अब तक ये आरोप लगते रहे हैं पीटर मुखर्जी पर कि पीटर मुखर्जी ने वो सारी बातें और राज और सच्चाई छुपाई है, हालांकि वो पहले जानते थे कि शीना बोरा मर्डर केस में किन साजिशों का अंजाम दिया गया और कैसे कैसे लोग इसमें शामिल थे, तो कुल मिलाकर पीटर मुखर्जी के लिए आने वाले दिन बहुत ही दुख भरे हैं, कठिन भरे हैं। जी बिल्कुल, मुश्किल हो सकती है। अंजनी की तरफ रुख करते हैं। अंजनी, पीटर मुखर्जी की आज गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन जब इस मामले की पूरी शुरुआत हुई और राकेश मारिया जब कमिश्नर के तौर पर इस मामले को देख रहे थे, जब से वो उनके पद से उनका ट्रांसफर किया गया उसके बाद मामले में बहुत ही रुकावट सी आ गई थी, मामला अटक सा गया था, जिसके बाद इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, क्या इसमें पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है? निश्चित रूप से, चूंकि ये मामला मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, कवर करते आ रहा हूँ, तो ये पूरा मामला अगर 2012 की बात करें जब सीना बोरा की मिसिंग हुई थी, उस दौरान भी जो पीटर मुखर्जी के बेटे हैं राहुल, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वो खार पुलिस स्टेशन में गए थे मिसिंग का कंप्लेन लिखने, तो पुलिस ने बोला कि आप जहां रहते हो वर्ली चले जाओ, वर्ली में वो गए कंप्लेन लिखने, तो वहां पे दो दिन बाद इंद्राणी ने फोन किया कि हमारी बेटी अमेरिका चली गई। ये सबसे बड़ा पहला लूजपोल सामने आया था। दूसरा सबसे बड़ा लूजपोल तब सामने आया था जब 2 महीने बाद उनकी डेड बॉडी, सीना बोरा की डेड बॉडी रायगढ़ के पेड़ के जंगलों में मिली थी, और वहां पे
एक डेड बॉडी मिलती है किसी लड़की की जिसको देख के ही लगता है कि उसका मर्डर किया गया है, लेकिन पुलिस उस पर किसी मर्डर का चार्ज न लेके एक मामूली सा डायरी एंट्री करती है, तो निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही तो पहले दिन से थी। लेकिन जब ये मामला उजागर हुआ उसके बाद ये ज्यादा चर्चाओं में आया, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था। और सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया कि जब इस केस की जांच कर रहे राकेश मारिया, जो कि उस समय मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, उनको तबादला कर दिया गया और इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। हमारी सीबीआई सूत्रों से बात हुई है कि आखिर किस धारा के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया है, तो सीबीआई सूत्र जो हमें बताए हैं, जैसा कि वकील साहब दिनेश तिवारी जी बता रहे थे, कि इस पूरे मामले में जब भी कोई मर्डर होता है तो उस मर्डर का सिर्फ एक एफआईआर दर्ज होता है और जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं उन सभी आरोपियों को उसी आरोप के तहत गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू होती है उस समय पुलिस या सीबीआई स्पेसिफिक चार्ज बताती है कि चूंकि ये मर्डर में शामिल नहीं थे लेकिन सबूत छुपाने और इस बात की जानकारी इनके पास थी कि उसकी हत्या कर दी गई है और इस बात को उन्होंने पुलिस या प्रशासन के सामने नहीं बताया, यानी जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और कॉन्स्पेरेसी 120B के तहत ये पूरा मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये जरूर है कि इसमें एक तीसरी कड़ी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करीब 500 करोड़ रुपए का हेरा फेरी हुआ है आईएनएक्स मीडिया को जब सेल किया गया था। अब उसमें ईडी और सीबीआई आईटी ये तीनों जांच कर रही हैं, अब वो भी मामला आगे बढ़ेगा और पीटर मुखर्जी और पूरा परिवार कहीं न कहीं इस पूरे भंवर जाल में फंसा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिवार ही इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और पैसे का एंगल शुरुआत से ही कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीटर मुखर्जी के बाद ये बात और पुख्ता हो रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, अंजनी अशोक राज और साथी दिनेश तिवारी जी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो, वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। सीबीआई ने शीना बोरा मर्डर केस में आज बड़ी गिरफ्तारी की है। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर हम बात कर रहे हैं, कानूनी पहलू जानने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से आज सीबीआई ने गिरफ्तार किया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने आज गिरफ्तार किया है, गिरफ्त में है पीटर। उससे पहले भी कई राउंड उनसे पूछताछ की गई थी और आपको बता रहे कि अगस्त में खुलासा हुआ था शीना मर्डर केस का, उसके बाद इंद्रानी की गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने आज पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। जी, बड़ी सिंपल बात है कि पीटर मुखर्जी ने बड़ा स्क्रूपुलसली अपने आप को दूर रखा, उनके साथ किया भी नहीं, और ये कह देना कि उसके अपनी बीवी के साथ बहुत प्रेम था इसलिए उसने कुछ बोला नहीं, वो भी गलत होगा। ये तो अपनी स्किन बचा रहा था। अब वो उसकी जो मां ने, आई थिंक दिस इज अ मोस्ट ब्रूटल मर्डर, अपनी बेटी का मर्डर कर देना और फिर छुपा के रखना इसको कि कभी आएगा नहीं। मैं इतना बता देता हूं, आपके जो कर्म हैं आपको किसी न किसी टाइम कैच अप कर लेंगे। तो जोगिंदर सिंह को आपने सुना और उनके मुताबिक शुरुआत से ही शक के घेरे में थे पीटर मुखर्जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी पांडे और अशोक राज जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ वकील दिनेश तिवारी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपने सुना जोगिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि शुरुआत से ही शक के घेरे में थे पीटर मुखर्जी, क्या शक के बिना पर भी गिरफ्तारी हो सकती है? यस, शुरू में जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चलता है शक के आधार पे बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है, और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो जो एविडेंस मिलेगा वो चार्जशीट के रूप में 90 दिनों के अंदर में कोर्ट के अंदर फाइल करना होगा। तो फाइनली चार्जशीट आने पे ये देखा जाएगा कितना लीगली एडमिसिबल एविडेंस है और आगे केस चलने की कितनी संभावना है पीटर मुखर्जी पर। जी अंजनी, जिस तरह से आपने सुना कि शक के घेरे में तो वो पहले से ही थे, क्या अब ये माना जाए कि गिरफ्तारी उनकी मुंबई पुलिस भी कर सकती थी लेकिन उस वक्त पीटर मुखर्जी को सिर्फ पूछताछ करके ही छोड़ दिया गया और आज वो काम सीबीआई ने पूरा किया?
बिल्कुल, क्योंकि संजीव खन्ना, इंद्रानी मुखर्जी और श्याम राय की गिरफ्तारी के बाद पीटर मुखर्जी को लगातार चार दिन 12-12 घंटे तक खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ किया गया और उसके 2-3 दिन बाद यह पूरा मामला सीबीआई को चला गया। क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पहले उठता है कि किसी की घर की बेटी अगर कहीं गायब हो जाती है पिछले 3 सालों से, वो न फोन पे बात करता है, ना मोबाइल, ना ही ईमेल से बात करता है, और कोई थर्ड पर्सन जो ये बता देता है कि वो अमेरिका में है और उसको भी यकीन कर ले, ये सबसे बड़ा सस्पेंस था। उसके अलावा जो दूसरे बड़ी शक की बात थी कि खुद पीटर मुखर्जी का जो बेटा है राहुल मुखर्जी, उसने कई बार अपने पिता के सामने बोला कि माँ झूठ बोल रही है, इंद्रानी झूठ बोल रही है, क्योंकि इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि जो सीना बोरा है, खुद जो राहुल के साथ उसके अच्छे संबंध थे, जो कि आगे शादी करने वाले थे, राहुल को भी उसने फोन नहीं किया था, ना ही मेल किया था, ना ही अपने जो सौतेले पिता हैं पीटर से कभी बात की थी। तो ये प्राइमा फेसी पहले दिन से ही शक गहराने लगा था कि ये हो सकता है कि साथ पीटर मुखर्जी हत्याकांड में शामिल न रहे हों, लेकिन ये तो जरूर है कि पीटर मुखर्जी को ये सारी बात पता थी, इस पूरे बात को कानून से, पुलिस से छिपा रहे थे। साथ ही उसमें जो एक और मोड़ था कि उन्होंने जिस गाड़ी को हायर करके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए पेड़ के जंगलों में लेके जाया गया, उस गाड़ी को हायर करने के लिए पीटर मुखर्जी ने खुद फोन किया था। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस एविडेंस थे, लेकिन शायद बहुत हाई फाई नाम था, इसलिए पुलिस बहुत पुख्ता सीबीआई ने तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए आज पीटर को गिरफ्तार किया है। अशोक की तरफ रुक कर रहे हैं। अशोक, इस पूरे मामले में पारिवारिक एंगल तो है ही, साथ ही पैसे का मामला भी है और पैसे का पुराना मामला है पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी पर। सीबीआई के अलावा क्या दूसरे डिपार्टमेंट भी अब इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएंगे? सुजाता, अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और किसी भी तरीके से अगर जांच एजेंसी या फिर जांच एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है और डिपार्टमेंट सीबीआई जैसा हो तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि सीबीआई के अलावे दूसरे। लेकिन अशोक, इस पूरे मामले में विदेश में पैसा छुपाने का भी मामला है, तो क्या ईडी भी इस मामले की जांच कर सकती है? देखिए, ईडी का एक स्वतंत्र प्रभार है और हो सकती है कि सीबीआई हो सकता है कि सीबीआई ईडी से वो सारे दस्तावेज या केस ले, या फिर ईडी को परमिशन है, या फिर ईडी इस मामले में जांच करना चाहता है तो वो कर सकता है, इस पे वो स्वतंत्र है। लेकिन सीबीआई के पास चूंकि पूरे क्रिमिनल केसेस ट्रांसफर हैं और वो जांच कर रही है, तो बहुत मुश्किल है कि सीबीआई अपनी कस्टडी से किसी और एजेंसी को पूछताछ के लिए दे। लेकिन हो सकता है कि ईडीआई और सीबीआई अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन साझा, क्योंकि इससे पहले भी जब हम देख रहे हैं कि छोटा राजन वाले केस में सीबीआई जब जांच कर रही है तो उसमें एमओएस जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बड़े केसेस अगर एक एजेंसी के पास होते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने में बहुत फायदा और कम समय लगता है। चलिए, देखना होगा कितना फायदा और कितना इसका नुकसान होता है। बने रहिए आप हमारे साथ, अशोक, अंजनी और साथी दिनेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ, सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप, हथेली पर दुनिया, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।
तो शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि आज से 5 महीने पहले अगस्त में इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी थी। कानूनी पहलू समझने के लिए हमारे साथ वकील दिनेश तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। दिनेश जी, इस मामले को आप सीबीआई देख रही है, लेकिन पैसे की बात भी सामने आ चुकी है कई बार, और यह भी कहा गया है कि कुछ पैसा विदेश में भी जमा कराया गया है। क्या इसमें अब सीबीआई के साथ दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं, जांच को आगे बढ़ा सकती हैं, या फिर सीबीआई सारा मामला देख लेगी? नहीं, इस केस में ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, बिकॉज प्रिवेंशन और मनी लॉन्डरिंग एक्ट में आप जब किसी क्राइम का पैसे से संबंध होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन का अधिकार खाली ईडी को है, और ईडी इस केस में इंडिपेंडेंट अरेस्ट कर सकती है पीटर मुखर्जी को अगर उनके पास उस पैसे का पूरा ट्रेल मालूम पड़ जाए। तो वो डिफरेंट एफआईआर होगी, डिफरेंट केस होगा और डिफरेंट एजेंसी देखेगी, और इसका इन्वेस्टिगेशन, इवन मनी लॉन्डरिंग एक्ट काफ़ी सीरियस माना जाता है जिसमें जमानत मिलने के लिए सालों निकल जाते हैं, दो दो चार चार साल निकल जाते हैं। तो दैट विल बी अ वेरी क्रिटिकल केस पीटर मुखर्जी के लिए, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ सीबीआई केस। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल दिल्ली में सीबीआई दफ्तर में, मुंबई में सीबीआई दफ्तर में उन्हें रखा गया है। और हमने बात की हमारे सहयोगी अंजनी पांडे और अशोक राज से, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। साथ ही दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ, सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप, हथेली पर दुनिया, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान, यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का, यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से, मेरे साथ दिल्ली लाइव।
नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 50। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। चलिए शुरुआत करते हैं 50 बड़ी खबरों की। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आ गई है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए के माथुर ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है। केंद्र सरकार को एके माथुर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। आयोग ने रिपोर्ट में औसतन 23.5% वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने मूल वेतन में 16% बढ़ोतरी, भत्तों में 63% बढ़ोतरी, पेंशन में 24% बढ़ोतरी और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये करने की सिफारिश की है। पीटर मुखर्जी भारतीय टीवी जगत की बड़ी हस्तियों में शुमार किए जाते हैं। स्टार इंडिया के अपने कार्यभार के दौरान पीटर मुखर्जी अमिताभ बच्चन का मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति और टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की जैसे सीरियल की शुरुआत की। 1997 से 2007 तक स्टार इंडिया के सीईओ रहे पीटर मुखर्जी बाद में आईएमएक्स के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर बने। इंडिया टुडे ने पीटर मुखर्जी को 50 ताकतवर लोगों में शुमार किया था। पीटर मुखर्जी को गुरुवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पीटर मुखर्जी को कानून को गुमराह करने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धारा 120B के तहत पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी की गई है। शंका तो बहुत सारी थी किस तरह से शीना के लिए पीटर मुखर्जी ने टैक्सी बुक की थी, इंद्रानी के लिए ड्राइवर के स्टेटमेंट थे और बाकी जो स्टेटमेंट थे उससे साफ लगता था कि पीटर मुखर्जी का भी इसमें पूरा रोल है। शीना बोरा की मां इंद्रानी मुखर्जी के तीसरे पति। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप, मैं सुजाता और बड़ी खबर, पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया जगत की बड़ी हस्ती रहे पीटर मुखर्जी को शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है। पीटर मुखर्जी को आज मुंबई में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इंद्रानी मुखर्जी के तीसरे पति शीना मर्डर केस में पीटर की गिरफ्तारी हुई है। पीटर मुखर्जी पर शीना की मौत से जुड़े सबूत मिटाने और जानकारी छिपाने का आरोप है। गिरफ्त में पीटर मुखर्जी, शीना बोरा केस में गिरफ्तारी, सीबीआई ने किया गिरफ्तार। पीटर पर सबूत मिटाने का आरोप, जानकारी छुपाने का भी है आरोप। शीना की मां इंद्राणी के तीसरे पति हैं पीटर। इंद्राणी मुखर्जी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर। देश में बढ़ती असहिष्णुता के आरोपों से पीएम मोदी का साफ इनकार। इकोनॉमिस्ट में लेख लिखकर कहा, भारत की सामाजिक बुनियाद बेहद मजबूत। और आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल संतोष का पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के सतारा में मासूम बेटे ने दी मुखाग्नि।